प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब मौसम पर भी देखने को मिला है। मौसम में अचानक से करवट बदली है। वहीं जहां कल दिन भर सर्द हवाओं का दौर जारी रहा और दिन भर आसमान में बादल मंडराते रहे, वहीं आज सुबह होने से पहले ही तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई। नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में तापमान अधिक होने से सर्दी का दौर शुरू नहीं हुआ है। बीते दो तीन दिन से तापमान में हो रही गिरावट के चलते सर्दी भी बढ़ने लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलवर संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, अचानक से पश्चिमी विक्षोभ का असर देशभर के साथ राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, कई जिलों में इसका असर अब दिखाई देने लगा है, वहीं अलवर जिले में क्या कुछ सर्दी का माहौल है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदल दी है, जहां पर सुबह घने बादल होने के साथ ही अब मैं बता दूं कि फिलहाल अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बारिश का जो दौर है वो चालू हो गया है। हालांकि अभी रिमझिम बारिश ही पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अभी दो दिन का अलर्ट और जारी किया है, जिससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ओलों के साथ बारिश भी हो सकती है। इससे किसानों की कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ गई है। लेकिन अब जो मैं बता दूं, नवंबर महीने में जो अभी तक जो सर्दी ने दस्तक नहीं दी थी, वहीं आज सुबह से ही सर्दी का असर देखने को मिला है। लोगों ने अपने जो गर्म वस्त्र है वो निकालना शुरू कर दिए, पहन रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं वो अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वही इस बारिश जो माउट हो रही है, इससे किसानों को राहत तो मिल रही है, लेकिन जो मौसम विभाग ने ओलों की जो चेतावनी दी, इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो किसान है वो थोड़ा चिंतित भी हैं। जी भरत, देखिए यहाँ पर मौसम ने अचानक से ही अपना मिजाज बदला है, तो आज सुबह से ही अगर लोगों की दिनचर्या की बात करें तो वहां क्या कुछ खास प्रभाव देखने को मिला दिनचर्या में? जी, मैं बता दूं कि सुबह से ही जैसे अलवर ग्रामीण की बात करूं तो अलवर ग्रामीण पूरे क्षेत्र में अभी घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। इससे थोड़ी ठंड का असर भी बढ़ा है, जिससे लोगों ने अपने जो गर्म कपड़े हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं, यूज कर रहे हैं। वहीं कुछ जगह तो लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं जिस तरह से मौसम हुआ है, तो वहीं वाहन चालकों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी दो दिन इस तरह का ही मौसम रहने वाला है। वहीं अब इस जो माउट हो रही है, इससे सर्दी का भी असर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों की दिनचर्या पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। जी भरत, देखिए इस वक्त जो है शादियों का माहौल भी चल रहा है, आज काफी शादियों के सावे हैं, आज के दिन काफी शादियां भी वहां होने वाली है, तो शादियों पर मौसम कितना वार कर सकता है? जी, मैं बता दूं जैसे ये मौसम बदला है, अचानक मौसम में करवट बदली है, तो जहाँ जो शादियों की जो तैयारी हो रही थी वो कहीं ना कहीं कार्यस्थल उस परिवार में कहीं थोड़ी चिंता की लकीर छाई हुई है। वह मौसम बदलने से शादी जो चल रही है उनमें कहीं ये बारिश खलल नहीं पैदा कर सके, इसी को लेकर जो शादी वाले परिवार में थोड़ी चिंता की लगी है। लेकिन जैसे ही मौसम बदला है, तो जो गुलाबी ठंड है ये धीरे धीरे दस्तक देने लगी है, तो जो शादी भी है उनमें थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। जी भरत, देखिए किसानों के लिए तो रबी की फसल के लिए ये बारिश काफी लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है, तो किसानों से आपकी बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है पूरे मौसम को लेकर के? जी, मैं बता दूं किसानों का कहना है कि अगर ये माउट होती है तो किसानों को कहीं ना कहीं अमृत साबित हो सकती है, लेकिन जिस तरह मौसम विभाग ओलावृष्टि की जो चेतावनी दे रहा था, इससे थोड़ा किसान जो चिंतित भी है। हालांकि ये जो माउट हो रही है किसानों को अमृत साबित हो रही है, जो किसानों की रबी की फसल है, गेहूं है, उनमें काफी फायदेमंद ये बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा सकता है अगर ओलावृष्टि होगी तो किसानों को थोड़ी चिंता भी होगी। जी भरत, जानकारी के लिए धन्यवाद।